प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूरन की सब्जी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मसालों में एक चम्मच धनिया ले लिए हैं, 5 दाने काली गोल मिर्च है, आधा चम्मच जीरा ले लिए, 3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा दालचीनी ले लिए हैं, थोड़ा जावित्री ले लिए हैं, ये स्टार फूल है, चुटकी भर जायफल डालेंगे। इन मसालों को हम पीस लेते हैं। यहाँ हम सिलबट्टे में पीस रहे हैं, आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। थोड़ा पानी डालकर इसे महीन पीस लेते हैं। मसाले हमने पीस लिया है, ये हमने सूरन ले लिया है, इसे हमारे यहाँ सूरन के नाम से जाना जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। 1 बड़ी साइज प्याज महीन काट लिए हैं, 2 तेज पत्ता है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 6-7 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, 1 हरी मिर्च काट लिए हैं, थोड़ा फ्रीजर मटर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम सूरन को छोटे पीस में काट लेते हैं। ये हमने इस तरीके काट लिया है और इसमें पानी डाल दिए हैं। मसालों में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 कढ़ाई लेंगे, कटा हुआ सूरन इसमें पका लेते हैं। सूरन को अच्छी तरीके धुल लिए हैं, इसे हमारे यहाँ सूरन बोलते हैं, इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कहीं कहीं ओल बोलते हैं, कहीं कहीं जिमीकंद बोलते हैं, इंग्लिश में इसे यम बोलते हैं। अब इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरीके उबाल लेते हैं। बढ़िया से उबल रहा है सूरन, आइए चेक करते हैं। सूरन अच्छी तरीके पक गया है, ये देखिए आसानी से कलछुल से कट जा रहा है, नजदीक से दिखा रहे हैं, ये देखिए अच्छी तरीके पक गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें का पानी फेंक देते हैं, सूरन अलग कर लेंगे और पानी अलग कर देते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके जाली वाली थाली में निकाल लिया है। आइए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देते हैं, तेल को थोड़ा चारों तरफ फैला देते हैं। अब उबला हुआ सूरन को हम फ्राई कर लेते हैं। जब तक सूरन फ्राई हो रहा है तब तक हम लहसुन की कलियां ओखली में कूट लेते हैं। लहसुन की कलियां हमने कूट लिया है, अब अदरक कूट लेते हैं। सूरन अच्छी तरीके फ्राई हो गया है, अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। सभी सूरन हमने थाली में निकाल लिया है, ये देखिए। वही कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल और डालेंगे, तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, तेज पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा अच्छी तरीके चटकने लगा है, कटी हुई प्याज डाल देते हैं, प्याज को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है, अब हम कूटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देते हैं। अब इनको अच्छी तरीके भून लेंगे। अब हमारा मिर्च डालेंगे, मिर्च हम बाद में डाल रहे हैं इसलिए कि खांसी आने लगती है। प्याज अदरक लहसुन बढ़िया से भून गया है, कलर चेंज हो गया है, अब पीसे हुए मसाले डाल देते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके भून लेते हैं। मसालों को इतना भूनना है कि जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और मसाले तेल ना छोड़ने लगे। मसाला अच्छी तरीके भून गया है, ये देखिए तेल छोड़ने लगा है। अब कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम मटर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके मिला देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि मसाले जले ना। अच्छी तरीके मिला दिए हैं। अब हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं ताकि टमाटर बढ़िया से पक जाए। 2 मिनट हो चुका है, चेक करते हैं। टमाटर अच्छी तरीके पक गया है, कलछुल की सहायता से इस तरीके हम मैश कर देते हैं। अच्छी तरीके हमने मैश कर दिया है, टमाटर भी बढ़िया से पक गया है, मसाले भी बढ़िया से भुन गए हैं। अब फ्राई किया हुआ सूरन डाल देते हैं, 1 गिलास पानी डालेंगे, अच्छी तरीके मिला देते हैं।
अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं और अच्छी तरीके पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। सूरन की सब्जी बनके तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, इसलिए कि हमने खड़े मसालों का प्रयोग किया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, आइए अब सर्व करते हैं। अब हम सूरन की सब्जी में हरा धनिया डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरीके मिला देते हैं। हम यहाँ पूरी और चावल के साथ सर्व कर रहे हैं। आप पूरी, पराठा, चावल, रोटी के साथ सर्व करिए, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए। कटोरी में सूरन की सब्जी निकाल लेते हैं। तो आज की हमारी सूरन की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई गलतियां हो माफ करिए। ये देखिए, यह सूरन की सब्जी जितना दिखने में अच्छी दिख रही है, उससे कई गुना खाने में टेस्टी बनी है, साथ में हेल्दी भी है। इसे हमारे यहाँ सूरन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। ये हम चावल निकाल लिए हैं और साथ में पूरियां रख लेते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सूरन की सब्जी को आप एक बार जरूर से जरूर बनाइए, इसे बच्चे से बूढ़े तक बहुत ही पसंद करेंगे। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस रेसिपी को एक बार जरूर से जरूर बनाइए और खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बनी है।